सुबह ज्यादा रोशनी सूरज की नहीं है ना ढलते वक्त सबसे ज्यादा हो गएगी से, तो से लाते हो हल्का गुटका फाड़े खा लिए इन सब चीजों में कोई स्वाद थोड़ी है ये तो निकोटीन है इसमें यूट्यूब खोल लिए किसी ने बता दिया ये किताब पढ़ लो वही पढ़े जा रहे हो ना ना उससे बोलो तुम राय नहीं मांग रहे पैसा देना हो तो बताओ इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सीनेटर ने कहा कि मोची के लगे हो तुम तुम्हारे बाप ने जूता बनाया था मैंने पहन रखा है उसने कहा थैंक यू सर मेरे पिता की तारीफ करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ का अर्थ है जो उदित हो रहा हो सूरज उदित हो रहा है अभी तुम उदित हो रहे हो तो जहां पे तुम सबसे ज्यादा स्थिर होगे वहीं सबसे ज्यादा रोशनी निकलेगी सुबह ज्यादा रोशनी सूरज की नहीं है ना ढलते वक्त ज्यादा रोशनी दोपहर तो में बीच में स्थिर है शक्ति शांति के बिना अनाथ है शक्ति शांति के बिना अनाथ है और दिशा के बिना निरर्थक है इस शक्ति के पास अगर शांति नहीं है तो वो अनाथ है कुछ नहीं कर पाएगा आज आई इसकी की तैयारी करेगा कल सीजीएल की करेगा परसों सीडीएस भी देने की सोचेगा और अगर शक्ति के पास दिशा नहीं है तो निरर्थक है यूजलेस क्योंकि तो करना तो उसे कुछ है और जवानी का काम ही क्या है कुछ करना है लेकिन कुछ करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा क्योंकि तो तुम किसी भी फील्ड में जाओगे चुनौती बराबर रहेगी तुम किसी भी चीज की तैयारी करो कोई एक नौकरी बताओ जहां स्ट्रगल नहीं है तो तैयारी का पहली आवश्यकता है शांति अब शक्ति तुम्हारे पास है तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है शांति तुम गुटके से लाते हो हल्काबल गुटखा फाड़े खा लिए इन सब चीजों में कोई स्वाद थोड़ी है ये तो निकोटीन है इसमें ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देती है उससे थोड़ा शांति मिल जाती है सुकून मिल जाता तो शक्ति का तुम्हें पता नहीं शांति तुम बाहर से लाते हो और दिशा गई भाड़ में यूट्यूब खोल लिए किसी ने बता दिया ये किताब पढ़ लो वही पढ़े जा रहे हो एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं अब्राहम लिंकन अगली हेडिंग डालो रोल ऑफ अब्राहम लिंकन चुनौती खड़ी हो चुकी है 1860 कोई राजा घर से नहीं है सामंत के घर से नहीं है हमारे तुम्हारे बीच का आदमी लेकिन इसको अपनी शक्ति का अंदाजा है इसके पास शांति है और डायरेक्शन है इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, 1860 सिविल वॉर 1860 लिंकन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फिर मुंडाते ओले पड़े एक तो पहले कोई इलेक्शन नहीं जीते और जब जीते तो गृह इसके पास पैसा नहीं था कि राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन कर दे अपने दोस्त से पैसा मांगने गया क्या।, क्या करोगे कहा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूं कहा तुम मेयर का चुनाव हार जो दिमा करा हुए कहा राय मांगने नहीं आए पैसा मांगने आए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो तुमने अपने किसी रिश्तेदार से पैसा मांगा कि भैया आई की तैयारी करना है उसने क्यों कर रहे हो आई की तैयारी जब पैसा नहीं है तो तुम सुन लिए उसकी बात ना ना उससे बोलो तुम कि राय नहीं मांग रहे हैं पैसा देना हो तो बताओ इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दोस्त ने इससे कहा कि यू विल बी रिमेम्बर्ड एज अ विलन इन अमेरिकन हिस्ट्री तुमको अमेरिका का इतिहास विलन के रूप में याद करेगा उसने कहा नहीं सुपर स्टार तुम ही लिखोगे हमारी बायोग्राफी वो तो वही हुआ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता सीनेट में पहुंचा एक सीनेटर खड़ा हो गया कहा मिस्टर प्रेसिडेंट तुम्हारे फादर मोची थे मैंने उन्हीं का बनाया हुआ जूता पहन रखा है तुम होते तो एस सी एक्ट लगवा देते मोची कह दिया जाति सूचक जो आग पैदा करती है अंदर वो है बेजती अब जब तुम्हारी बेजती ही नहीं होगी सिनेटर ने कहा कि मोची के लगे हो तुम तुम्हारे बाप ने जूता बनाया था मैंने पहन रखा है और बहुत अच्छा जूता बनाया था उसने कहा थैंक यू सर मेरे पिता की तारीफ करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिता एक अच्छे मोची थे ऐसे मैं एक अच्छा राष्ट्रपति बनू जिससे आज आप मेरे पिता के तारीफ कर रहे हो एक अच्छे मोची होने की ऐसे कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करें एक अच्छा राष्ट्रपति होने की पूरा खड़े इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया था कि पंडित और ठाकुर की लड़ाई चल रही थी हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी ये थोड़ी इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है इतिहास पढ़ा जाता है सीखने के लिए विभिन्नतावादी भारत को अशोक ने कैसे चलाया विभिन्नतावादी भारत को अकबर ने कैसे चलाया और उसी विभिन्नतावादी भारत तुम कल कैसे चलाओगे जैसे मैं मुकेश अंबानी को जब पूजा उजा करते देखते हो तो मैं सोचता हूँ तुम क्या मांगते हो हम तो चलो मांग रहे हमें समझ में आ रहा तुम क्या मांगते हो यार शांति तो पैसा दान कर देंगे तभी आएगी शांति महावीर को आई थी जब छोड़ के चले गए थे वो हमसे पूछ ले हम बता देंगे शांति कैसे आई ये संसार का जंजाल छोड़ दो शांति ही शांति अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति हो जाए आई इसकी तैयारी छोड़ दो अभी इसी बार शांति ये सारी शांति जो है वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं तो पैदा की है एक चुनौती थोड़ी है यहां तो हजारों दिक्कत चुनौतियां है ये पहला बिग अचीवमेंट था लिंकन का कटिंग ऑफ